हेलो एंड वेलकम बैक टू सतीश उपाध्याय ब्लॉग। आज हम दो दिन के बाद आ रहे हैं। सॉरी, मैं डेली ब्लॉग बोल देता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं बना नहीं पाता हूँ, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे इस वीडियो को। आज हम एक रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं रवि नेगी मानमिला पे। तो आज है 24 तारीख, आज 24 सितंबर है, और मेरे साथ नील और रुद्र और अभी पिया ज्वाइन करने वाली है। तो हम लोग डेली रवि नेगी ब्लॉग को देखते हैं, तो आज हम उस पर एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज है कि हम लोग उसको पॉज कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है हम लोगों को ये ब्लॉग और क्या क्या हम लोग। अब तो डायलॉग याद हो गए, टीका लगा रखा है, कभी कभी होम बना रखा है। तो हेलो दगड़ियो उनका जो साइन अप डायलॉग है वो भी सबको याद है। तो मेरे दोनों बेटे नॉर्मली उसको डायरेक्ट करते रहते हैं कि रवि नेगी मानिला ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइन अप वाला डायलॉग है, ये मतलब मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि वो पूरा सभी को, मतलब कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, कोई भी है, उनको मिर्चो वगैरह पहाड़ी में पूरा नैरेट पूरा इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो अब जैसे कि ये वाला डायलॉग है, ये पिछले 10-20 दिनों से जो हम वीडियो देख रहे हैं, हमें अच्छी तरह याद है कि ये ऐसे ही बोलेंगे। इसके बाद आई थिंक हर्षू का होगा, जो कि किसान है और थोड़ा जल्दी उठ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को पूरा एकदम इनका ब्लॉग याद हो चुके हैं। तो दोस्तों पहले आपको मिलाते हैं हर्षू महाराज से। हर्षू महाराज तो हमारे किसान है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो मिलाते हैं आपको हर्षू महाराज से। तो बने रहे ब्लॉग में। तो हां जी दोस्तों, हर रोज की तरह यहां पर हमारा गुड्डू महाराज चौकीदार आराम से बैठ रहा है, चौथे के मस्त हो गए बैठा रहता है, हर्षू भी चौकीदारी करता है। हां जी दोस्तों, यहां पर हमारे हर्षू महाराज आराम से उठ के खेल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, नॉर्मली एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर करने, ये जो पटल लगा रहा देह पे, इससे बहुत सारे लोगों को अपने बचपन की याद आ सकती है, क्योंकि हमें आती है। हमारी मम्मी जब घास काटे हैं और दूध निकाले हैं जैसी गाय भैंस, तो हम लोग इसके रोची, तो हमको अपन याद था। तो ये हर्षू एक्चुअली हमें सबको रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। हर्षू जय, गुड मॉर्निंग कहते। वो डॉलर कैसे करता है? हर्षू कैसे करता है? वो घुगुती कहाँ है? हैं? घुगुती कहाँ है? सो आप देख रहे होंगे, ये बच्चा मतलब इतना इंटेलिजेंट है, मतलब कोई कहे कि पहाड़ में रहने वाले बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते हैं, या मतलब दिल्ली में रहने वाले बच्चे ही मतलब इंटेलिजेंट रहते हैं, क्योंकि वो लोग यू नो रनिंग लाइफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं, और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही थे। कम से कम इनके इना द्योहे को जो है पटल ला रहे, ये कामो टाइप कुछ लग रहा शायद, क्योंकि ये शायद वो ननक लागो ना यारी जी, हमें लागे हमें तो सिंपल पटल लागे रहे जी, तो बतेरे हम लोग रहे हमेशा। आगे देखते हैं। हेलो, ये हर्षु बंदर से बात कर लो तुम, ये तो बहुत अच्छा है, ये आराम से खेलता है। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है हर्षु, बाय बाय। ये देखो मैं आपको क्या बोलेगा क्या वो
मतलब आप देख रहे हो कितनी सिंपलिसिटी है यार इस ब्लॉग में। मतलब वो बच्चा, मैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, इतनी सारी चीजें हैं आसपास और हम लोग फिर भी मतलब एंटरटेन नहीं हो पा रहे। वो छोटा सा बच्चा उस पूरे गांव में, आई थिंक उसके आसपास इतने कोई ज्यादा लोग नहीं रहते कि ये रवि भाई हैं, एक उसकी अम्मा आई है चंडीगढ़ से, तो वो देखो ये छोटी छोटी चीजों में ही अपने आप को बिजी रखता है। और ऐसे ही रवि भाई भी उसके साथ मस्ती करते रहते हैं। ये और खाल है, कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। देखो बिल्कुल खड़पाट हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सुन के कभी भी किसी ऐसे आदमी को अच्छा नहीं लगेगा जो जिसने अपना बचपन या अपनी जवानी ऐसी जगह पर बिताया। आप देख रहे हैं पूरी मार्केट है, जबकि मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ कोई भी नहीं है। खरड़पट मतलब पहाड़ी में, खरड़पट का मतलब एक टाइम में बहुत गलत वर्ड यूज की बोलते थे इसको, बट अब क्या करें, जब जब हालात ही पहाड़ की ऐसी हो गई हैं तो आज वो बुरा लगता है, चाहे कोई उसको बताए या नहीं बताए। बट ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने भीड़ भड़क का देखा है, जहाँ पे हमने कौतिक देखा है, कौतिक मतलब बहुत सारे लोगों को देखा है, इसमें बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन आज देखो कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये लेडी है, मतलब ये इन्होंने दुकान खोल रखी है, बट हिम्मत है कि कोई मतलब कस्टमर ही नहीं है, मतलब फिर भी देखो अब ठीक है, लेकिन और कोई उपाय नहीं। इस एज में आदमी कहाँ जाएगा, तो अपने आशियाने को छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकता है, तो ठीक है उन्होंने दुकान खोल रखी है। आप देख रहे हैं आने जाने वाले से, आने जाने वालों को भी कैसे ग्रीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जनसंख्या कम हो गई है या पलायन हो चुका है, वहाँ पे एक एक आदमी एक उम्मीद बनती है, एक एक आदमी को देख के आदमी को एक उम्मीद बनती है। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ही इमोशनल करती है जब जब ये ब्लॉग देखा जाता है। ये सिनोनिम्स जो यूज करते हैं ना अपनी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में, जैसे गुठार में, अपने घर पे, ये सब भी एक बहुत अच्छा स्टाइल है जिससे कि कनेक्ट आता है। हम लोग गुठियार बोलते थे, अपने आंगन हिंदी में बोलते हैं, तो अपने घर पे, तो वो पूरा एक एक पूरा सीक्वेंस बना देते हैं रवि भाई। दोपहर का भोजन जो है रेडी हो चुका है, तो अभी हम करते हैं दोपहर का भोजन और देखते हैं फिर दोपहर के भोजन में। अब ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि ये दिन में क्या खाते हैं, सुबह इनका खाना देखा हम सब लोगों ने, इतना सिंपल खाना है फिर दोपहर का भोजन। हां जी देवड़ी, अभी मैं ला चुका हूं दोपहर का भोजन। अब ये देखिए, मतलब आप समझ रहे हैं, बड़े 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 ब्लॉग्स या बड़े बड़े वीडियोस आप देखेंगे, इतना सिंपलिसिटी नहीं, वही भात खा रहे हैं और उसके साथ गांव की ककड़ी, गांव ककड़ था वो नून में मिलाई हुई, और वो भी अलग से कोई प्लेट में नहीं रखा है, मतलब सेम थाली में ही सब कुछ मिक्स है। तो मतलब सिंपलिसिटी देखिए इस वीडियो की, इसी की वजह से मे बी आप मैं इस वीडियो को इतना पसंद करता हूँ। एक रीजन ये भी है, दोपहर के भोजन में है भात और झुई अर्थात कड़ी पहाड़ी, तो साथ में है ककड़ी का सलाद वही पहाड़ी नमक के साथ। तो अभी मैं करता हूँ दोपहर का भोजन और आप कीजिए एंजॉय। इधर भी अभी तल्ला बाकी में बंदर आ गए, ये देखो आवाज आ रही है, होई होई बन। ये पहाड़ का दूसरा अभिशाप है पहाड़ को, जहाँ पे पहले सुअरों ने शुरू किया था, जंगली सुअर आते थे और वो रात को जो पिनाऊ खेत हैं, पिनाऊ पटाव हैं जी, मरछा पटाव हैं जो, सबके खेत खुद बनाया जाए जी। बाद में जब लोग कमाते गए, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उस खेत में कुछ आया नहीं है, तो पूरा खेत उड़ा के चला जाता था। फिर जब सुअरों ने पूरा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि लोग थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपना घर बनाना ही था, एक्चुअली वही उनका, तो मतलब बेसिकली ये घर उन्हीं के हैं जंगली जानवरों के, हम लोगों ने कब्जा किया है।
लेकिन ठीक है, क्योंकि अब ह्यूमन हम लोग इंसान है तो हम लोग सब सब सर्वोपरि हैं। अब ये जो दूसरा प्रॉब्लम था ये था बंदर। अब आप देखिए बंदरों ने बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है, जो भी लोग अपना कुछ ना कुछ वहां पे करना चाहते हैं ना, ये बंदर उसको रहने नहीं देते, चाहे कोई लघु लहरा हो, मैं केला हरा, छे महरी, काकड़ हरी, गेट हरी, जो लहरा वो बंदर उसको नहीं चलते। और वो डेली, जैसे मैं नंगारी घाटा से, तो मैं नंगारी घाटा में आज से 4-5 साल पहले जब गए थे हम लोग, तो वहां पे एक पूरा मतलब हम लोगों की ड्यूटी रहती थी दिन में एक लट पकड़ के बंदरों को भगाने की। अब वो भी क्या करे, बंदरों के लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं बचा है ना वहां पे, क्योंकि इंसान होते थे वो अपना खाना पीना जो छोड़ दें वो उनको खाते थे, लोग लगुल बोची तो उस पर जो भी खाना होता था वो खा लेते थे। लेकिन अब उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, जंगली जानवरों का भाई अस्तित्व तो बहुत खतरे में, जंगली जानवर तो जंगली जानवर। तीसरी जो मुसीबत है जो गांव में अभी है, जो रवि भाई आई थिंक अपने वीडियो में कभी कभी दिखाते भी हैं, और जो मैं भी बताता हूँ कि वो है आवारा पशु, जिन लोग जिसको हम गाय बोलते हैं, जिसको हम पूजा करते हैं, जिसमें पूरा देश इतना बड़ा नाटक कर रहा है कि गायों की पूजा करो, गायों को मत मारो, तो वो गाय आपको ऐसे घूमते हुए दिख जाएंगे पहाड़ों में। तो मतलब अब आप देखिए आगे वही प्रॉब्लम को बता रहे हैं। हाँ जी, तभी अभी समय 2 बज चुके हैं, तो मेरा टोपरी का भोजन हो चुका है, मामू आराम से टोपरी का भोजन कर रहे हैं। तो दगड़ियो अभी कुछ देर करते हैं अपनी ब्लॉग की एडिटिंग। बस ये देखिए इनका बहुत ही सिक्वेंशियल है, मतलब ये सुबह सुबह उठते हैं, वहां से धारा से पानी लेके आते हैं, और उसके बाद अपनी चाची के घर जाते हैं, और उस वहाँ कमंडल से दूध देते हैं, और उसके बाद हर्षु को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उससे थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद अगर इनको स्कूल जाना है तो स्कूल, नहीं तो आसपास के गाँव में चले जाते हैं। उसके बाद ये घर वापस आते हैं, थोड़ी देर हर्षु के साथ फिर से खेलते हैं और अपना लंच करते हैं, और उसके बाद ये ब्लॉग को एंड कर देते 2 से 3:30 बजे। आप देखेंगे ना सीक्वेंस आपको रट जाएगा, लेकिन जो सिंप्लिसिटी रवि के वीडियोस में है ना, मैं उनको हेड्स ऑफ करता हूँ, और अगर वो इस वीडियो को कभी देखेंगे तो ये वीडियो उनको थैंक यू है फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे मेरे गांव, जिसकी मुझे हमेशा से याद आती रहती है। ऐसा नहीं हम बहुत दूर रहते हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक प्रायोरिटी अलग चेंज कर दी है कि गाँव में जाना है या नहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एक बहुत ही कमेंडेबल वीडियो बनाते हैं। और रवि भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इस काम को इसी तरीके से, इसी लगन से, इसी क्वालिटी से करते रहिए। तो आपने देखा ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो था, और ये रिएक्शन वीडियो मैंने सबसे पहला रवि भाई के वीडियो के साथ इसलिए किया है क्योंकि मैं रवि भाई के वीडियोज के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और रुद्र और नील, आपको कैसा लगता है रवि नेगी मानेला का ब्लॉग? बहुत अच्छा लगता है। और रुद्र आपको? हाँ, तो रुद्र एज यूजुअल जैसे कि बच्चे होते हैं, हम डायरेक्ट फ्रॉम हार्ट उसको रवि ने की मानिला से इसलिए देखने होता है क्योंकि जब हम उसको फिनिश कर देते हैं तो वो उसके बाद उस कार्टून देखता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली यू विल लाइक द रिएक्शन वीडियो। अगर मैं आने वाले टाइम पे जो और पहाड़ी ब्लॉगर्स हैं उनके वीडियो को रिएक्शन वीडियोस बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो अभी के लिए बंजौर चाओ, और मेरे ब्लॉग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगती है, देखिए मैं कुछ ज़्यादा गैजेट यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, दिमाग तो है नहीं तो दिमाग कहाँ से यूज़ करना है, तो मैं सिंपली मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब को भेंट कर देता हूँ। तो आप लोगों को अगर वो पसंद आता है या आप कुछ उसमें सजेशंस मेरे को देना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।